देख ऐसे ऐसे होता है, दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली. जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए. अभी इसके बाद वाला व्लॉग से होगी ट्रैवल सीरीज हमारी स्टार्ट. वी आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग व्लॉग्स अहेड. प्रॉब्लम वीडियो के टाइटल में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि वी आर ट्रैवलिंग, बट अभी कौन सी कंट्री है मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखता हूँ, कौन सी प्लेस है थोड़ा सा सस्पेंस रखता हूँ, और मैं इनफैक्ट आपको गेस करने के लिए बोलता हूँ. और मैं ऐसे ही नहीं गेस करवाऊंगा, मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा थ्रू आउट द वीडियो जो आपको ठीक से कैच करनी है और उसको कन्वर्ट करना है आंसर में. एंड आंसर शुड बी अ कंट्री और अ प्लेस वेयर वी विल बी ट्रैवलिंग, एंड वी विल बी ट्रैवलिंग वेरी सून गाइस, एंड एज सून एज डे आफ्टर टुमारो. सो चलो इस ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं. इस ब्लॉग में बहुत सारा प्रिपरेशन करना है अपने को, थोड़ी शॉपिंग करनी है, खाना खाना है और करेंसी भी कन्वर्ट करनी है. लेकिन ऑफकोर्स कौन सी करेंसी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी. सारी डिटेल्स आपको इस ट्रैवल ब्लॉग की मिल जाएगी, लेकिन अभी अगर मैं करेंसी बताऊं तो बिगेस्ट हिंट हो जाएगी. तो चलो ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, एज यूजुअल इस कंट्री की सजेशन दी थी इसने स्वागता ने, और इधर मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ. इस टी शर्ट का जो कलर है मेरे, वो गौर से देखिए. गौर से क्या देखना, लाल ही है. इस टीचर का वाला उस प्लान में वैसे कुछ हिंट्स आपको कलेक्ट करने हैं और उसका आंसर बनाना है और कमेंट सेक्शन में डालना है. लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है. जब इस लॉन्ग वीकेंड के चलते मॉल में इतनी भीड़ है, क्या बताओ कितनी भीड़ है. सो हमने सोचा कि क्यों ना पहले एक काम किया जाए, पहले करेंसी एक्सचेंज की जाए और उसके बाद खाना, इजंट इट, और उसके बाद शॉपिंग, क्योंकि भूख भी एक्चुअली बहुत लगी है. मैं आया एक्चुअली जिम के बाद सीधा मॉल में सिर्फ बॉइल्ड एग्स खा के. सो यू कैन इमेजिन माई भूख लेवल राइट नाउ, एंड लुक एट द मॉल, इट्स फुल ऑफ पीपल. और एक्चुअली ईद के मौके पर मॉल को सजाया भी बहुत सही है, सब जगह रोशनाई है, लेकिन भीड़ भी उतनी ही है बिकॉज 9 days हॉलीडेज आर देयर इन UAE, राइट. अभी एक काम करने वाले हम लोग, जितना हमको पैसा चाहिए उनकी लोकल करेंसी में पूरा हम लोग लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके नहीं लेने वाले हैं. सो आधा लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके लेंगे और आधा डॉलर्स में कन्वर्ट करके लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इधर जो कन्वर्जन रेट हमको मिल रहा है दैट इज़ नॉट सो गुड. ओके, सो विल ट्राई दिस कन्वर्जन रेट इवन बाय गोइंग टू दैट कंट्री इटसेल्फ, बिकॉज सम पीपल हैव टोल्ड मी दैट कन्वर्जन रेट दैट यू विल गेट इनसाइड द सिटी ऑफ दैट कंट्री विल बी मच बेटर देन व्हाट यू विल गेट हियर. अभी कौन सी करेंसी है ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो बहुत बड़ी हिंट हो जाएगी. सो आई विल नॉट टेल यू दैट, बट ग्रेजुअली आई विल कीप गिविंग यू हिंट्स. सो अभी फिलहाल पहले ATM जाते हैं, पैसा निकालते हैं दिराम में, उसको कन्वर्ट करते हैं आधा लोकल करेंसी में और आधा डॉलर्स में, और फिर आगे बढ़ते हैं. बट मीनवाइल गाइस, लुक एट दिस डिजाइन व्हिच इज इन द सेंटर ऑफ दिस मॉल. चलो, आज मॉल में भीड़ बहुत ज्यादा है. वीकेंड भी अ लॉन्ग हॉलीडेज भी. तो जैसे मैं बैठे बैठे मैं और एक क्लू देता हूँ आपको कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं, जिस प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ का तापमान मतलब वेदर इज रेंजिंग फ्रॉम 11 degrees Celsius टू 19 degrees Celsius. सो जैसे ही शाम होती है मतलब टूवर्ड्स रात और नाइट, इट अप्रोचेस 11 degrees Celsius, और जैसे ही दोपहर होती है इट अप्रोचेस टूवर्ड्स 19 degrees Celsius, डजंट गो बियॉन्ड 20 degrees Celsius. मेरी तो हालत वहाँ पे ख़राब होने वाली, इतनी ठंडी ठंडी, मैं तो ठंडी ठंडी करने वाली पूरी वहाँ पे जाके, फिर मुझे 20 डिग्री में हवा टाइट हो जाती है. जीरो डिग्री सह पाते हैं. हाँ, तो ऐसे ही घूमने वाला. तूने कुछ भी नहीं लिया है ना गर्मी के कपड़े? या या या, दिस इज चिकन बटरफ्लाई. नो नो, दिस इज बर्गर. हां, दिस इज बर्गर, दिस माइन. व्हिच बर्गर इट इज? एक्चुअली वी फॉरगॉट अ डिश. वी कॉल नेंडुका'स चॉइस. हां, नेंडुका चॉइस, यू आर राइट, थैंक यू सो मच. और ये चिकन ब्रेस्ट का शेप देखो, एकदम हार्ट शेप में आया है. एंड दीज आर द साइड्स, पोटैटो वेजीज, और ये मेरा स्पाइसी राइस. अभी कितना स्पाइसी है पता नहीं, खाली कलर दिया. और मुझे फोटो निकालना है, तो डिस्टर्ब क्यों कर रहा है सर? आई एम सॉरी, लेट अस कीप इट बैक. यस. और ये है बर्गर, ये ऐसा बर्गर मैंने पहली बार खाने वाला हूँ. एक्चुअली इसे सही बोला था, जो ब्रिस बर्गर के अंदर है वो सेम है एज दिस चिकन बटरफ्लाई. और ये है मैश पोटैटो, ये है बहुत बड़ी वेजिटेबल्स ग्रिल्ड. मुझे सबसे ज्यादा ये वाला अच्छा लगा, पता नहीं क्यों. तो मैं बाकी सब मैं खा लूं? चलेगा. ओके, चलो अभी ताव मारते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी है. ओके, राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय फेवरेट पोटैटो. इज इट स्पाइसी? गरम कोल्ड है, कोल्ड. अभी राइस खा उसके ऊपर.
अभी पुलाव जैसा है, है ना? Exactly पुलाव. ओके. सेम पुलाव जो घर पे बनता है. चलो अभी फटाक से खाओ. मजे अभिषेक की, है ना? लास्ट मिनट शॉपिंग चल रही है अभिषेक की. ये इतने फीके फीके कलर मत ले यार, थोड़ा अच्छा ब्राइट कलर ले. करेंसी एक्सचेंज भी हो गई और थोड़ी बहुत जो रिमेनिंग शॉपिंग थी वो भी हो गई. अभी घर पे जाके बैक पैकिंग स्टार्ट करनी है. हाँ, जैसे कि तू करने वाला है, ऐसे बोले बैक पैकिंग स्टार्ट करने वाला. हाफ मैंने कर दिया, हाफ बाकी है. खाली जो अपना कैमरा इक्विपमेंट है ना वो चार्ज करके रख. और वो ही मैं एक्चुअली बोलने वाला था कि शी इज एन एक्सपर्ट इन बैक पैकिंग. हाँ, मस्ता पॉलिश. नहीं, लेकिन वो मैं आपको दिखा था, वो बैक पैक ऐसी करती है कि बहुत सारी जगह बच जाती है. मतलब बहुत कम जगह पे बहुत सारी पैकिंग करती है, ये मैं बोलने वाला हूँ. टाइम हुआ 1 o'clock इन द नाइट. हम लोग घर पे तो आ चुके, लेकिन अभी काम बाकी है. इनफैक्ट स्वागता की पैकिंग शुरू हो गई अभी. एंड वेरी शॉर्टली आई विल बी शोइंग यू एज़ आई सेड अर्लियर कि स्वागता कैसे एकदम एक्सपर्ट है पैकिंग में, एकदम स्पेस इफेक्टिव पैकिंग कर दी. सो गाइस, अभी जितना हो सके हम लोग को काम आज ही खत्म करना है, क्योंकि कल हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, बिकॉज़ टुमारो इज द लास्ट डे बिफोर वी ट्रैवल. तुझे आज भी काम नहीं, कल भी काम है, तुझे दोनों दिन रिलैक्स करना है. बट तुझे मेन काम करना है, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल सब चार्ज करना है. ये बहुत बड़ा काम. इतना ही नहीं, मैं तेरे को हेल्प करूंगा. नहीं नहीं, तेरी पैकिंग बाबा बाबा बाबा. देख, ऐसी तेरी पैकिंग ऐसे होता है. दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली. एकदम बकवास पैकिंग करता है. सो एज यू सॉ गाइस, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. अभी मैं इसको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है. सो ऐसे ही मैंने काम चोर गिरी करके इसको एक्सपर्ट बनाया पैकिंग में. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू. ओह माय गॉड, सी दिस इज द लाइव डेमो. लुक एट दिस, कैसे पैक किया है. हर एक चीज एकदम प्रॉपरली फोल्ड करके रखी है. एंड लुक एट दिस साइड एज वेल, एकदम प्रॉपर. अगर यही सामान अगर मैं भरता ना, शायद इतना सामान ही पूरी बैग में भर पाता. लेकिन स्वागता ने देखो कितना ठूस ठूस के भरा है. ठूस ठूस के मतलब प्रॉपरली फोल्ड करके भरा है. तो इस बार वी विल बी ट्रैवलिंग वेरी लाइट. ये एक बैग रहेगी छोटी, ये एक छोटी बैग रहेगी. इसमें मोस्टली कैमरा इक्विपमेंट्स आएगा. इसमें आएगा राइट, कैमरा है. हाँ, मतलब कैमरा इक्विपमेंट्स और चार्जर एंड ऑल दैट. और ये रहेगी बड़ी बैग. अभी चलो गाइस, वैसे भी स्वागता मुझे इन्वॉल्व तो करने वाली है नहीं पैकिंग में, तो मैं काम करता हूँ. आपको एक हिंट ही देता हूँ, और एक एकदम अच्छी खासी हिंट देता हूँ, एकदम बड़ी हिंट देता हूँ, जिससे आपको इमीडिएटली समझ में आना तो चाहिए. मैं मुझे पता नहीं, मैं एक गाना गाने वाला हूँ वैसे. और ये गाना जिस मूवी का है, वो मूवी आई एम श्योर आप सभी ने देखा रहेगा. अगर देखा नहीं है तो भी गाना तो देखा ही रहेगा, और गाने से आपको एक आइडिया तो आया रहेगा कि वो गाना किधर शूट हुआ है. तो ये एक हिंट है. अभी सुनो, मैं दो लाइंस गाऊंगा आपको. आपको पता करना है कि ये गाना शूट किधर हुआ था. एंड दिस इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट हिंट दैट आई कुड हैव एवर गिवन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये तेरे मुझ में समाए. ये है गाना, आपको पता है राइट. और स्वागत है यहाँ पे उसकी चेकलिस्ट बनाई, एकदम ट्रैवल इटिनरी पूरी तरीके से फाड़ रही है, जबरदस्त. एंड दिस इज व्हाट ऑलवेज शी डज बिफोर एनी ट्रैवल, एंड दैट इज व्हाट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हर. आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अप्रिशिएट अबाउट यू मैन. व्हाट मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, कुछ भी रिसर्च नहीं किया. वो बुक करने के बाद हमेशा मैं एक चीज करता हूँ, जो भी होटल बुक करने के लिए तू भी बोलती है ना, मैं रिसर्च करता हूँ. ओके, सो आई डोंट गो ब्लाइंडली फॉर द होटल. एटलीस्ट डे 1 to day 5 तक वो अच्छी तरह से वर्कआउट होना चाहिए, वही मुझे से लगता है अभी. अब तक के तो हुए हैं wherever we have traveled. तो ये ऑलमोस्ट पैक हो गया है. अभी कल ये पैक होने वाला है और ये पैक होने वाला है. इसमें बेसिकली जाने वाला है कैमरा इक्विपमेंट्स और लैपटॉप. और इसमें इसमें क्या जाएगा, क्लोथ्स और क्लोथ्स. ये वाला सामान इसमें जाएगा. और इसमें क्या जाएगा फिर? हाँ, और एक्स्ट्रा हम लोग थोड़ा स्पेस एम्प्टी छोड़ देते हैं अगर कोई हमने शॉपिंग की तो हम लोग उसमें डाल सकते हैं ड्यूटी फ्री से. ओके फाइन फाइन. और ये अभी तो बंद मत कर, ये मुझे इसे खुला ही रख रहा है. अगर लास्ट में मुझे कुछ चीजें चाहिए ऐड करने तो तू ये मुझ पे छोड़ दे, तो अभी सब चार्ज कर दे, लैपटॉप चार्ज कर, मोबाइल चार्ज कर. It's almost 2 AM. अभी फटाक से रैप अप करके सो जाते हैं, क्योंकि कल उठना भी है. कल वैसे टाइम पे नहीं उठना, कल नहीं जाना है हम लोग को, उसके बाद नेक्स्ट डे जाना है. लेकिन कल थोड़ा सा काम बचा है, वो करना है. ओके, सो अभी इसके बाद वाला ब्लॉग से होगी ट्रैवल सीरीज हमारी स्टार्ट. वी आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग ब्लॉग्स अहेड. एंड एक दिन में हमें 3-3 ब्लॉग शूट करना है, ऐसा मैंने पूरा प्लान किया. 3 कुछ ज्यादा ही हो गया. हां, 2 ब्लॉग तो पक्के, 2 ब्लॉग तो पक्के. लेकिन जो ट्रैवल सीरीज हम लोग शूट करने वाले हैं वो बहुत एक्साइटिंग रहेगी, और यू कैन वॉच इट ऑन हियर एक्चुअली टीवी.
टीवी पे देखो, ऐसे सीनिक प्लेस में हम लोग जाते हैं। सो गाइस, अब तक आपने अगर गेस किया है प्लेस का नाम या कंट्री का नाम तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और ऑन द एंडिंग नोट एज वी विल स्टे ब्लेस्ड, अभी आगे के जितने भी ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे ना उसको प्लीज वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमबल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 लाइक। द प्लेस दैट वी आर गोइंग टू इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक प्लेस एंड वी विल मेक श्योर दैट वी डू आवर बेस्ट टू गिव यू अ बेस्ट ट्रैवल सीरीज सो फार। ओके, तो on the ending note as usual, stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye bye. Comment section bhar dena.